किले पर तलवार लहराई गई। भयानक लाठी चार्ज है। कहीं पत्थर चल रहे हैं, कहीं तलवार चल रही है, कहीं आंसू गैस के गोले चल रहे हैं। कोशिश हुई, कहीं पुलिस को घेर कर मारने की कोशिश हुई, कहीं भगदड़ मची, कहीं जमकर हंगामा हुआ। लोकतंत्र के पर्व पर अराजक तंत्र। गर्दिश में है दिल्ली की गलियां, गर्दिश में है दिल्ली के गलियारे, गर्दिश में है पूरी दिल्ली। आंदोलन के नाम पर दिल्ली में अराजकता। गणतंत्र के उत्सव पर अराजक तंत्र की चोट। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी, शंखनाद भी आप सभी का बहुत स्वागत है। गणतंत्र दिवस की इतनी बदरंग, इतनी बदसूरत और इतनी बेकार तस्वीरें देश ने पहले कभी नहीं देखी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि देश के अभिमान लाल किले पर प्रहार हुआ हो और देश शर्मसार हुआ हो। आपको हम दिखाएंगे ट्रैक्टर रैली के नाम पर हुई अराजकता की तस्वीरें। लेकिन शो की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर आ रही है, ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा को लेकर किसान यूनियन की ओर से बयान जारी किया गया है जिसमें हिंसा की निंदा की गई है। वहीं हिंसा के लिए पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया गया है दिल्ली पुलिस का, जबकि इस पूरे मामले में कहना है कि किसानों ने तय शर्तों का उल्लंघन किया, जबकि दिल्ली पुलिस ने आखिरी तक अपना संयम बनाकर रखा। अब सवाल यह है कि किसान संगठन अगर निंदा करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, क्या हो जाता है? जिस तरह का उपद्रव आज राजधानी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में देखा गया है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? किसानों के चोले में आखिर वो कौन लोग थे जो ट्रैक्टर पर तांडव मचाने के लिए बेकरार हो रहे थे? बहुत सारे ऐसे सवाल जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। लेकिन एक तरफ हिंसा के लिए पुलिस प्रशासन जिम्मेदार, किसान संगठनों की ओर से यह कहा जा रहा है कि हमने तो बहुत संयम रखा है आज। लेकिन लाल किला इस देश की मर्यादा से जुड़ा हुआ है, उसका सम्मान है, वो अभिमान है, मगर आज इस अभिमान को कुचलने की कोशिश की गई है। लाल किले की प्राचीर पर पहुंचे किसानों ने तलवारें लहराई, अपने झंडे लहराए और दिल्ली को खौफजदा कर शर्मनाक तस्वीरें देश के सामने रख दी। जिस तरह की तस्वीर सामने आई है उसने यही देश भर में आवाज इस वक्त गूंज रही है, लाल किले पर प्रहार, पूरा देश है शर्मसार। ये रिपोर्ट देखिए। की ऐसी तस्वीर पहले कभी किसी ने नहीं देखी। ऐसा पहले कभी किसी ने नहीं देखा जब लाल किले की प्राचीर पर किसी ने कब्जा जमाया हो। ऐसा भी नहीं देखा गया जब लाल किले की प्राचीर पर किसी ने शक्ति प्रदर्शन दिखाया हो। ऐसा भी नहीं देखा गया जब लाल किले की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी असहाय हो गए हों। ये सारी तस्वीरें किसी नहीं देखी थी, मगर आजाद हिंदुस्तान में ऐसी तस्वीरें सामने आ गई। बड़ी संख्या में यहाँ पर ट्रैक्टर हैं, लोग हैं, हाथों में तिरंगा है, निशान साहब है हाथों में, किसानों का अपना झंडा है साथ में, एक एक ट्रैक्टर यहाँ पहुंचे, ट्रॉलियां। जरा दूसरी तरफ की तस्वीर भी दिखाएंगे, लेकिन ये तस्वीर आज बहुत अहम है। सिंघू बॉर्डर से उठे आक्रोशित किसानों ने
सारे बैरिकेड तोड़ते हुए, हल्ला हंगामा करते हुए, आंसू गैस के गोलों से बचते हुए लाल किले तक जा पहुंचे। और सिर्फ लाल किले तक नहीं पहुंचे, बल्कि उन्होंने लाल किले पर कब्जा जमा लिया। तस्वीरें देखिए, यहां पहुंचे आक्रोशित किसानों ने प्राचीर पर कब्जा जमाया और जिस खंभे पर तिरंगा झंडा लहराता है वहां उन्होंने लेफ्ट समर्थित किसान संगठन और निशान साहब का झंडा फहरा दिया। तस्वीरें देखिए, एक किसान उठा और बहुत तेजी से खंभे पर चढ़ गया। ये किसान करीब 60 मिनट तक यूं ही चढ़ा रहा। किसान को नीचे उतारने के लिए दिल्ली पुलिस का एक जवान चढ़ा जरूर, मगर बीच में हिम्मत जवाब दे गई, नहीं चढ़ पाया, वापस उतरा। दूसरे जवान ने ट्राई किया लेकिन वो भी असफल, मगर ट्रेनिंग करके सुरक्षा में तैनात जवान खंभे पर नहीं चढ़ सके, लेकिन किसान चढ़ गया। और उसके बाद किसानों की नारेबाजी और भाव भंगिमाएं ऐसी थी मानो उन्होंने प्रतीकात्मक तौर पर ऐलान कर दिया हो कि यह उनकी विजय का शंखनाद है। यहाँ की पूरी स्थिति आपको दिखाना चाहेंगे, ये ट्रैक्टरों के जरिए किस तरीके से सारे किसान यहाँ जो भागे का हिस्सा है वो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और अब वो लोग यही मांग कर रहे हैं कि सरकार जब तक उनकी मांग नहीं मानेगी तब तक वो लोग इन तमाम जगहों पर डटे रहेंगे। किसान लाल किले पर दोधारी तलवार लहरा रहे थे और उन्हें हटाने का प्रयास कर रहे सुरक्षा कर्मी पसीने पसीने हो रहे थे। काफी देर तक किसान लाल किले पर जमे रहे, लेकिन थोड़ी देर बाद लाल किले से किसान वापस लौटने लगे। आज बैरिकेड्स लगाए गए थे पुलिस के द्वारा यहाँ पे, अब सारे किसान क्योंकि घूम कर लौट कर जा रहे हैं तो ये बैरिकेड्स यहाँ से अब हटा दिए जा रहे हैं। किसान खुद ही ये बैरिकेड्स हटा रहे हैं, ट्रैक्टर के ऊपर चढ़े हुए हैं किसान, गाने बजाए जा रहे हैं, कई किसान इस समय नाच भी रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो वो सरकार को बताना चाह रहे थे आज उन्होंने सरकार को वो बात बता दी है और घूम के सारे किसान लोग अब वापस जा रहे हैं। लाल किले से लौटते किसान कहाँ रुकेंगे, क्या करेंगे, उनका अगला कदम क्या होगा, कुछ नहीं मालूम। मगर इतना जरूर है कि किसानों ने ऐलान कर दिया कि लाल किले पर प्रतीकात्मक कब्जा करके उन्होंने बता दिया हो कि वो कुछ भी कर सकते हैं। वापस जाने की तैयारी हो रही है। कहाँ से आए थे आप? हम मुजफ्फरनगर से आए थे। अच्छा, आज स्पेशली आज के स्पेशल दिन के लिए आज ट्रैक्टर लेके मुट्ठी भर किसान है। ये उन लोगों के लिए सबक है, उन्हें दिखाना जा रहे हैं कि हम मुट्ठी भर ना है। वापस जा रहे हैं वापस सोनीपत आज के लिए ही आए थे। हाँ हाँ, पूरे दिल्ली में किसानों का उत्पात पूरे देश ने देखा। गणतंत्र दिवस पर ऐसा उत्पात शर्मनाक है, ये नहीं होना चाहिए था, किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए था। लाल किला से नवजोत रंधावा और ऐश्वर्या पालीवाल के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। किसानों के चोले में आखिर ये कौन लोग थे, ये कौन उपद्रवी थे जिन्होंने राजधानी दिल्ली के गणतंत्र दिवस समारोह को आज शर्मसार करने का काम किया है। इस पर बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ शंखनाद का हिस्सा बन चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा हमारे साथ मौजूद है और किसान नेता साबत मलिक भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आईटीओ से अरविंद ओझा मौजूद है जबकि ऐश्वर्या पालीवाल भी हमारे साथ राजधानी दिल्ली से जुड़ चुकी हैं। लेकिन सबसे पहले गौरव भाटिया जी, आपसे शुरुआत करना था लेकिन मैं आ जाती हूं किसान नेता साबत मलिक आग पर, कैसा लग रहा है आज पूरे दिन के तांडव के बाद? क्या वो कहते हैं ये हमारे आंदोलन में नहीं थे, ये कहीं ना कहीं कोई ऐसे लोग थे जो आंदोलन को पूछकर हमारे आंदोलन करना चाहते थे। आप जानते हैं बैठे हुए हैं, लगातार हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा है, आगे भी शांतिपूर्वक चलेगा, लेकिन कुछ ताकतें ऐसी हैं जो हमारे आंदोलन को कमजोर करना चाहती है, ये भी उसी का एक हिस्सा था। 18 पुलिस कर्मियों को गंभीर चोटें आई हैं, सड़क पर तेज रफ्तार में ट्रैक्टर दौड़ाते और फिर पलट जाते किसान, बैरिकेडिंग तोड़ते हुए पुलिस वालों से सुरक्षा बलों से भिड़ते किसान,
लाल किले की प्राचीर पर जाकर वहां पर दूसरा तिरंगा तिरंगे के पैरेलल ले दूसरा झंडा लाकर खड़ा करते किसान, ये कौन लोग हैं और क्या होना चाहिए इनके साथ? अभी दिल्ली के साउथ डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आपने भी सुना होगा, उन्होंने कहा कि जो किसान थे उनका आंदोलन का जो परेड थी वो 11 बजे शुरू होनी थी, लेकिन एक जत्था ऐसा निकला जो 9:30 बजे निकला और उसने बैरिकेड पहले ही तोड़ के और ये गुस्सा चला गया। सर, आप लोगों ने तो देश का तमाशा बना दिया ना आज के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन आप लोगों ने तो देश का तमाशा बना दिया। पूरी दुनिया भर की नजरों में आज हिंदुस्तान को लेकर किस तरह की चर्चा हो रही होगी, अंदाजा है आप लोगों को इस बात को लेकर? किसानों के साथ यकीनन पूरा देश खड़ा है, सिंपैथी है उनके साथ, उनकी मांगों को लेकर लगातार हम लोग भी अपनी नजर बनाए हुए थे, लेकिन आज की ये जो तस्वीरें पूरा देश देख रहा है, इस पर क्या बोलेंगे आप? मैं कह रहा हूँ अगर हमारा आंदोलन हो रहा है, हम परेड कर रहे हैं तो तमाशा हो रहा है, अगर किसान हमारे शहीद हो रहे हैं, ये आज की तस्वीरें हैं, ये आज की तस्वीरें हैं, आज की तस्वीर मलिक साहब, आज की तस्वीरों पर बात कीजिए। हमारे आंदोलन किसी को भी गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली में तांडव करने का अधिकार नहीं है साबित मलिक, और किसानों के चोले में उपद्रवी इस तरह की स्थिति अगर पैदा करें तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और गौरव भाटिया, इसी सवाल के साथ मैं आपके पास आते हुए, किस बात का इंतजार कर रहे थे कि लाल किले की प्राचीर पर ये दूसरा झंडा लेकर चढ़ जाएं और जितने सुरक्षा बल हैं वहां पर क्या देखें, क्यों नहीं रोकने की कोशिश की गई इन लोगों को? पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था नाकाम साबित रही है आज। चित्रा जी, सबसे पहले तो आज तक के दर्शकों को और हर भारतीय को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, और मैं यही कहूंगा कि आज सुबह जब गणतंत्र दिवस की परेड देख रहे थे तो आंखें नम थी संतोष बाबू, कर्नल संतोष बाबू की शहादत को याद करके और वीर कर्मियों को, और बाद में जब हमने नजारा देखा और जो लाल किले पे हुआ तो भी आंखें नम हुई कि ये उपद्रवी किसान नहीं हो सकते। और मैं एक गुजारिश आपसे जरूर करूंगा, आपने कहा कि सरकार क्या कर रही थी या पुलिस क्या कर रही, आज जो संयम और शौर्य का परिचय पुलिस ने दिखाया है वो काबिले तारीफ है। बहुत आसान होता है चित्रा जी आदेश दे देना और कह देना कि गोली चलाओ, जाने चली जाती, बहुत कुछ चला जाता, लेकिन फिर भी जिस तरह से पुलिस ने संयम दिखाया वो बड़ी बात। आपने एक बहुत वाजिब प्रश्न किया, आपने कहा गौरव भाटिया जी संयम दिखाने का ये थोड़ी ना मतलब होता है कि लाल किले पर चढ़कर और इस तरह का तांडव मचाया जाए। लाल किले पर जो स्थिति पैदा की गई है उसके लिए सुरक्षा बल भी उतने ही जिम्मेदार हैं। रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई? जब एक जगह आप आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, कुछ जगहों से लाठीचार्ज की भी खबरें निकलकर सामने आई, तो यहाँ पर इन उपद्रवियों को क्यों नहीं रोका गया? क्योंकि लाल किले पर सिर्फ देश की नहीं पूरी दुनिया की निगाह रहती है। वो लाल किला आपका उतना है जितना हमारा है, सबका है। मैं आपकी बात का ही उत्तर देने जा रहा हूं, केवल मुझे एक मिनट का समय दे दीजिए। आपने कहा जिम्मेदार कौन, जिम्मेदार वो लोग हैं जो अपने आप को किसान नेता कहते हैं लेकिन आज चूहे की तरह बिल में घुसे हुए थे। जिम्मेदार वो किसान नेता है जो कल तक कह रहे थे हम जो शर्तें लागू हुई हैं उनका पालन करेंगे और आज नहीं करी, जैसे ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली थी, शस्त्र थे, हिंसा थी, पुलिस पे अटैक था। और जिम्मेदार वो भी हैं जो राजनीतिक दल केवल आग में घी डालने का काम करते हैं। अभी तक राहुल गांधी या ममता बनर्जी, आप ट्वीट देखिए क्या है, कंडेमनेशन नहीं है, निंदा नहीं करी है, वो तो चाहते हैं हमारा देश जले। और आगे अब सरकार की भी बात कर लो, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते एक बात कह दूं, अभी तक तो बातचीत से हम लोग आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कोई भी उपद्रवी अगर कानून तोड़ेगा तो वो सलाखों के पीछे होगा, ये सुनिश्चित करना हमारी सरकार का काम है और हम करते रहेंगे। आलोक शर्मा जी, दोनों तरफ से आप सवाल नहीं उठा सकते कि पहले कहें किसानों को अंदर आने दीजिए तथाकथित और उसके बाद आ जाए तो कहे देखिए ये क्या हो गया। अरे आप स्टैंड लीजिए, जब पार्लियामेंट ने 3 कानून पारित किए हैं तो आप कौन होते हैं ये कहने वाले बाहर से कि इसको वापस ले लो? और वो किसान नेता, अभी एक किसान नेता बोल रहे थे, मैं नहीं जानता हूं कि ये कहा के किसान नेता है, एक किसान नेता है जिनका नाम राकेश टिकैत है, चुनाव लड़े थे 2014 में, 10,000 वोट आए थे, 1% से कम, तो क्या संसद में कानून पारित होगा या इस तरह से हुड़दंग करके? ये अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है कि संसद में कानून पारित होता है तो सड़क पर उसको लेकर इस तरह का हंगामा, हालांकि 2 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था, शांतिपूर्वक सब कुछ चल रहा था, लेकिन गणतंत्र दिवस पर इस तरह की अराजकता की स्थिति राजधानी दिल्ली में पैदा हो जाएगी। लेकिन आलोक शर्मा जी, अब कांग्रेस पार्टी को भी मिल गया है मौका इस पूरे मामले में राजनीति चमकाने का।
देखिए मुझे लगता है कि कांग्रेस को क्यों पाकिस्तान को भी कह सकते हैं, आप चीन को भी कह सकते हैं। राजनीति चमकाने का मौका मिल गया, क्या कह रही हैं चित्रा जी आप? पूरा देश, पूरे विश्व में हमारी छवि खराब हुई है और आज भी आप कांग्रेस को ही दोषी ठहरा रही हैं। ये सरकार इतनी मजबूत सरकार है, 300 से ज्यादा सांसद हैं, 6 महीने से आंदोलन चल रहा है और जिम्मेदार दूसरे लोग हैं। आपके यूथ कांग्रेस की ओर से ट्वीट किया जा रहा है ना, इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है कि कहा जा रहा है किसानों ने लाल किला फतह कर लिया, ये कौन सी भाषा है? नहीं, आप बोलिए आलोक शर्मा जी, लेकिन कम से कम ध्यान में तो रखिए कांग्रेस की आज दिन कौन सा है। देखिए कांग्रेस ने आंदोलन, कांग्रेस ने नहीं कहा कि आप ऐसा कीजिए, आज देश के गृहमंत्री को देश से माफी मांगनी चाहिए, मीडिया जगत को सरकार से सवाल पूछने चाहिए। आज 40 मीटिंग तक एक सरकार नहीं बुला पाई, 6 महीने में 8 महीने से आंदोलन चल रहा, 100 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, एक शब्द देश के प्रधानमंत्री का नहीं आया और जिम्मेदार पंडित नेहरू है। गजब मीडिया हो गया आपका, फिर आगे आप, फिर आगे मीडिया को कोसने आलोक शर्मा जी, आप लोग भटक जाते हैं, आपको लड़ना है बीजेपी से, लड़ने लगते हैं आप मीडिया से। अपना अर्जुन की कहानी पढ़ी होगी ना आपने, लक्ष्य अपना सीधा रखिए, मीडिया से भिड़ेंगे तो उधर आप नहीं लड़ पाएंगे, जो आपका हाल है देश भर में। मीडिया से मत लड़िए, बीजेपी पर हमला कीजिए आलोक शर्मा जी, मीडिया से मत लड़िए, मैं यहाँ पर लड़ने नहीं आई हूँ आपसे, आप जवाब दीजिए। नवाज शरीफ किया यहाँ पर, अरे निंदा तो कर दीजिए कि आज जो कुछ हुआ वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आप बोलिए कि गलत हुआ है, जिन उपद्रवियों की ओर से इस तरह की हरकत पैदा की गई है उनको जेल के सलाखों के भीतर होना चाहिए। बोलिए आलोक शर्मा जी, आप बर्दाश्त नहीं की सकती, किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं की जा सकती, जो हुआ वो गलत है बिल्कुल। लेकिन आप जो पूछ रही हैं कि कांग्रेस को मौका मिल गया, मुझे इस पर गुस्सा आया है, देश की छवि खराब हो रही, छवि खराब हो रही है, देश के प्रधानमंत्री कौन है जिम्मेदार इसके लिए? नहीं कह सकते देश की छवि खराब हो रही है, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? अरे भाई अभी मुझे लगता है चित्रा जी, गृह मंत्री आसाम से वापस आ गए होंगे, प्रधानमंत्री वेस्ट बंगाल से वापस आ गए होंगे, हैदराबाद का चुनाव समाप्त हो गया होगा, इन सरकार की जिम्मेदारी तो कोई है ही नहीं, ये सरकार तो पकड़ा कांग्रेस की जिम्मेदारी है सारी। दिल्ली दंगा होता है तो कांग्रेस जिम्मेदार, जानिया होता है तो जिम्मेदार, जेएनयू होता है तो जिम्मेदार। गौरव भाटिया अपनी चूक आप स्वीकार नहीं करते और ठीकरा आप लोग गुस्से पर फोड़ देते हैं, ठीक है, जो आरोप लगाए हैं आलोक शर्मा ने, जवाब दीजिए उस पर। 8 महीने से आंदोलन चल रहा है और मोदी जी चुनाव लड़वा रहे हैं बिहार में, इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, पूरा देश रिया चक्रवर्ती और सुशांत राजपूत के लिए जस्टिस ढूंढ रहा है। 8 महीने से आंदोलन नहीं किया सरकार को, ठीक है, अब बोले नहीं दीजिए गौरव भाटिया साहब, 8 महीने से वो बोल रहे हैं कि आंदोलन चल रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है क्या आपको? और राजधानी दिल्ली में बीते 2 महीनों से दिल्ली बॉर्डर पर चित्रा जी सबसे आप लोग भी इंतजार कर रहे थे आज की तारीख का। गौरव भाटिया बिंदुवार तरीके से बात करना चाहता हूँ, पहले तो क्या निंदा करी किसी भी वरिष्ठ नेता कांग्रेस ने? नहीं निंदा करी, तो यही मिले हुए हैं, यही आस्तीन के सांप है जो देश के लोकतंत्र को कमजोर करते हैं। दूसरी बात, इनके मुंह से निकला 303 सांसद है तो क्यों इतनी कमजोरी? अरे 303 सांसद है ना, कानून में हमारी आस्था है, इसीलिए कानून संसद में पारित करा। चित्रा जी कुछ मैं ऐसे चर्चा नहीं करूं, नहीं ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखेंगे, दोनों लोग बोलेंगे तो आवाज साफ नहीं हो पाएगी, जल्दी से गौरव भाटिया जवाब दे दीजिए, अपनी चूक भी तो स्वीकारिए गौरव भाटिया, चूक हो गई है, हालात संभाले जा सकते थे लेकिन हालात हाथ से निकल गया, ठीक है जी, शांत कराइए, शांत है, वो शांत है, बोलिए। तो दूसरी बात, 303 सांसद की ताकत पे ही हमने कानून पास कराया, अब आपकी आस्था ना सुप्रीम कोर्ट में है, ना पार्लियामेंट में है, ना प्रधानमंत्री में है, ना सेना में, तो हम क्या करें? तीसरी बात, आपने कहा चूक हुई, आपको मालूम है चित्रा जी 11 दौर की बातचीत हुई, ये चूक नहीं हो सकती है, ये दिखाता है कि किसानों का हम कितना सम्मान करते हैं। चूक तो ये है कि किसान चाहे मतभेद हो कुछ किसानों के हमारे साथ, लेकिन हमसे बातचीत कर रहे हैं। बिट्टू इनके एक नेता है, बिट्टू है किट्टू है पता नहीं क्या है, किसानों ने भगाया मार के, राहुल गांधी आज तक किसानों के आंदोलन में घुस नहीं पाए, ये इनकी विश्वसनीयता। और अंत एक बात कह के करूंगा कि 1,80,000 किसानों की आत्महत्या इनके 10 साल के कार्यकाल में हुई, तब कहां चले गए थे? अरे हमने संसद से पारित कराया कानून, आप होते कौन है इस तरह की बात करने वाले, ठीक है, वाले मिट्टी का तेल हाथ में लेके, लेकिन फिर भी संसद से पास कानून को ही लेकर आप लोग संशोधन के लिए तैयार हुए ना, अपनी खामियों को मानते हुए,
लेकिन बात उसके हाँ, आगे की है। बात यह है कि किसान आंदोलन की आड़ में आखिर वो कौन से अराजक तत्व हैं जो देश के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। इस सवाल का जवाब मैं किसान नेता से लूंगी, लेकिन उसके पहले हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं, मैं फौरन आप लोगों के पास आऊंगी। हमारे साथ ऐश्वर्या पालीवाल और अरविंद ओझा जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अरविंद, आपका रुख करते हुए अभी हालात कैसे हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस की ओर से बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिम्मेदारी दी गई है, जबकि किसान नेताओं की ओर से यह कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस इसके लिए जिम्मेदार है, उसने उकसाने का काम किया। अभी हालात कैसे हैं आईटीओ के? अरविंद, सीधे मैं आपको हालात दिखाता हूं, चित्रा जरा तस्वीर दिखाऊं। देखिए फिलहाल की अगर बात करें तो सब कुछ साफ है, सब कुछ क्लियर है, जो उपद्रवी थे वो यहां से जा चुके हैं। सामने की तरफ जो इंटरेस्टिंग है, बस यहां पर खड़ी कर दी गई है ताकि अगर कोई प्रदर्शनकारी आना चाहे तो ना आ पाए। हैरानी की बात है कि जिस वक्त गणतंत्र दिवस समारोह चल रहा था, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति वहां पर मौजूद थे, ठीक उसी वक्त यहां पर उपद्रवी जमकर हिंसा कर रहे थे। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जो किसान नेता है वो दिल्ली पुलिस पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। जो दिल्ली पुलिस है उनका कहना है कि जो किसान नेता है उनके साथ 37 पॉइंट के शर्तों पर करार हुआ था, इसी वजह से एनओसी दी गई थी। आज तक के पास वो एनओसी भी मौजूद है, बावजूद उसके किसी भी शर्त का पालन नहीं किया गया और जो रूट तय था और टाइमिंग तय थी उस टाइमिंग को तोड़ा गया और जमकर हिंसा हुई। 18 पुलिसकर्मी घायल है, महिला पुलिसकर्मियों पर हमला हुआ। और फिलहाल की अगर बात की जाए तो जहां आईटीओ पर मैं मौजूद हूं, जहां जमकर हिंसा हुई है, क्योंकि यहां से इंडिया गेट भी बहुत नजदीक है और उपद्रवी वहां जाने की कोशिश कर रहे थे, तो फिलहाल की बात की जाए तो उपद्रवी यहां से जरूर चले गए, लेकिन हिंसा के निशान वो साफ आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो पुलिस की बस, ये इस बस में पुलिस सवार थी, अर्धसैनिक बल के जवान सवार थे, इसको हाईजेक किया पहले उपद्रवियों ने, उसके बाद ट्रैक्टर से इसको पलटने की कोशिश की जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो यहां पर शांति कायम है, उपद्रवी यहां से जा चुके हैं। ये अच्छी बात है कि फिलहाल वहां पर शांति कायम है। आज सुबह सुबह मैं गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंची थी, वहां पर आपको बताते चले 9 बजे के पहले से ही लगातार किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आगे की ओर बढ़ते हुए चले गए। उसके बाद जब हम अक्षरधाम फ्लाईओवर के पास आए, वहां पर किसान और जवानों के बीच आपस में झड़प हो रही थी। फिर जब मैं आईटीओ पहुंची, जहां से अरविंद इस वक्त जानकारी दे रहे हैं, वहां पर भी झड़प की तस्वीरें सामने आई, जिससे पूरे देश के सामने इस किसान आंदोलन को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐश्वर्या पालीवाल भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ऐश्वर्या, दिन भर आप रिपोर्टिंग करती रही और हमने देखा किस तरह की स्थिति राजधानी दिल्ली की सड़कों पर पैदा हो गई थी। आप जहां पर मौजूद हैं, वहां पर अभी क्या स्थिति है और दिन भर जो आपने देखा उसका लब्बोलुआब 3-4 लाइनों में किस तरह से आप बताना चाहेंगी? ऐश्वर्या, देखिए मैं आपको बताऊं कि इस समय दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पे है। जहां मैं खड़ी हूँ कैनॉट प्लेस में भी जगह जगह पे इस तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई है। दिल्ली पुलिस नहीं चाह रही है कि किसी भी तरीके का कोई भी किसान अब अंदर की ओर आ सके। आपको देखेंगे काफी लोग अभी तैनात कर दिए गए हैं। जब मैं सुनने में आ रहा है ज्यादा टुकड़ियां दिल्ली पुलिस की अब हाई अलर्ट पर है और कैनॉट प्लेस को हर तरफ से घेर लिया गया है, हर तरफ नाकाबंदी हो गई है। सिर्फ कैनॉट प्लेस ही नहीं, रेड फोर्ट जाने के लिए भी इस समय सारे रास्तों पे इसी तरीके से बैरिकेटिंग है और ना ही किसी को अंदर आने की अनुमति है और ना ही किसी को बाहर जाने दिया जा रहा है। ये सब इसीलिए जिस तरीके का आज जो हमने जो विजुअल्स देखे, जिस तरीके की भिड़ंत हुई पुलिस के बीच और किसानों के बीच, उन्हीं सबको मद्देनजर रखते हुए ऐसा कुछ ना हो जाए, इसीलिए दिल्ली पुलिस अब पूरी तरीके से तैनात है। कैनॉट प्लेस को और रेड फोर्ट जाने वाले हर रास्ते को सील कर दिया गया। राजधानी दिल्ली का दिल कहे जाने वाले इन इलाकों में जिस तरह की तस्वीर आप देख रहे हैं, पूरी तरह से पुलिस की व्यवस्था चाक चौबंद है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है जो स्थिति पैदा हुई है, आखिर उसके लिए जिम्मेदार और जवाबदेह क्यों है? ये देखिए दोपहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से पुलिस के जवान एक तरफ, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान एक तरफ, जबकि दूसरी तरफ किसान, और दोनों में आपस में जिस तरह की झड़प की तस्वीरें सामने आई हैं, उसने आज गणतंत्र दिवस के दिन एक कलंकित तस्वीर पूरे देश के सामने रखी है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये अपने आप में बड़ा सवाल। और ये जो अव्यवस्था और अराजकता राजधानी दिल्ली में, दिल्ली की सड़कों पर पैदा करने वाले ये जो तमाम चेहरे हैं, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होगी, क्योंकि लोहे के डंडों के साथ ये लोग वहां पर पहुंचे हुए थे, हाथ में हथियार थे, तलवार आप देख रहे हैं इस वक्त एक शख्स के हाथ में है। क्या ये किसान हो सकते हैं? क्या ये किसान आंदोलन करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे? क्या ये वास्तव में ट्रैक्टर रैली को शांतिपूर्वक ढंग से अंजाम देना चाह रहे थे? गौर से इन तमाम चेहरों को देखिए, क्योंकि इन लोगों की वजह से आज पूरी दुनिया में हमारे जो देश का गणतंत्र है वो शर्मसार हुआ है, और जिसके जिम्मेदार ये तमाम लोग हैं।
ऐश्वर्या अरविंद लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन उसके पहले जल्दी से आपको दिखा देते हैं आज की हिंसा पर दिल्ली पुलिस का इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। बहुत बड़ी तादाद में पुलिस बल भी तैनात किए गए थे, फिजिकल बैरियर्स भी लगाए गए थे और कई राउंड की मीटिंग इसलिए की गई थी कि जब इस तरह के डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं तो एक ट्रस्ट भी होता है, जिसमें ये होता है कि जब बड़े पैमाने पे कई मीटिंग्स का दौर चला है और बड़े बड़े जो नेता थे, किसान नेता, वो भी इन मीटिंग्स में शामिल थे और उन्होंने आश्वासन दिया था और कंटिन्यूस ये आश्वासन दिया गया कि हम इस रूट को फॉलो करेंगे। उसके बावजूद हम लोगों ने तमाम, चूँकि आज रिपब्लिक डे था, तो तमाम जगहों पर जहाँ जहाँ पर इस बात की संभावना हो सकती है कि जहाँ से डेमोन्स्ट्रेटर्स जा सकते हैं, वहाँ पर हर किस्म का इंतजाम किया हुआ था। लेकिन ट्रैक्टर से जब पुलिस बल पे कई जगहों पे उन्होंने चढ़ाने की कोशिश की तो कई जगहों पे वो ब्रीच भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद आप जैसा देख रहे हैं अभी भी दिल्ली के कई इलाकों में कंटिन्यूस जो है ये पुलिस उनको रोक रही है, समझा भी रही है, अपील भी कर रही है, वापस भेज भी रही है। डेफिनेटली जो इसमें नुकसान हुआ है और जिस तरह से असॉल्ट हुआ है पब्लिक सर्वेंट्स के ऊपर, जो पुलिस बल के ऊपर, उसमें जो भी लीगल एक्शन बनता है वो निश्चित तौर पर लिया जाएगा। एडिशनल डीसीपी पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई, जो तय रूट था उसको फॉलो नहीं किया गया, जितनी जगहों पर बैरिकेडिंग लगाई गई थी काफी तेज रफ्तार में ट्रैक्टर आगे निकल जाता है। क्या ऐसे इस देश के किसान हो सकते हैं, जरा आप सोचिएगा। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए थे, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, गौरव भाटिया आपका, आलोक शर्मा आपका और साथ ही हमारे साथ किसान नेता साबिर मलिक साहब जुड़े हुए थे, आपका बहुत धन्यवाद इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद यही कि आज की घटना से हम तमाम लोग सबक लेंगे, लेकिन आपको बताते चले सुबह ही हमने भारत का आज गौरवगान सुना था, राजपथ पर झांकियों ने भारत की शान बढ़ाई थी, मगर दोपहर 12 बजे के बाद किसान ट्रैक्टर लेकर निकले तो हंगामा मच गया। जहां जहां भी किसानों ने परेड की वहां पर हंगामा, बवाल और पत्थरबाजी हुई। आईटीओ पर तो मरने मारने वाली स्थिति बन रही थी, किसानों के नाम पर उपद्रवियों ने ऐसा उत्पात मचाया कि पूरी की दिल्ली राजधानी कांप उठी। ये दिल्ली के दिल कहे जाने वाले आईटीओ की तस्वीरें हैं। पुलिस हेडक्वार्टर के बिल्कुल करीब उपद्रवियों का तांडव है ये। उपद्रवी ट्रैक्टर से बसों को तोड़ रहे हैं। उपद्रवी ट्रैक्टर से पुलिसकर्मी को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। उपद्रवी लाठी डंडे और लोहे की रॉड से हमला कर रहे हैं। उपद्रवी पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। कहां तो तय था किसानों का ट्रैक्टर रूट और कहां सारे नियमों को तोड़कर, सारे बैरिकेड को तोड़कर किसान पहुंच गए आईटीओ तक। यहां किस कदर उपद्रव हुआ इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाइए। इस पूरे उपद्रव के बीच आज तक की संवाददाता ऐश्वर्या पालीवाल लगातार रिपोर्टिंग करती रही, अपनी जान पर खेलकर वो दिखाती रही कि गणतंत्र दिवस जैसे पावन पर्व पर राजधानी में कैसा उत्पात हो रहा है। इस तरीके का उत्पात यहाँ पे पुलिस और किसानों के बीच में मचा है। पुलिस पूरी कोशिश में पथराव, देखिए ये देखिए ये देखिए, एक पत्थर आया वहां से, ये देखिए दिखाइए दिखाइए ना सिर्फ दिखाइए, ये देखिए वहां से पथराव हो रहा है, यानी कि जिस तरफ किसान है वहां से, ये देखिए ये पत्थर आया, कोशिश पूरी यही हो रही है कि वहां से पथराव हो। यहां इतनी ज्यादा पत्थरबाजी हुई कि पुलिस को पीछे हटना पड़ा। हमारी संवाददाता लगातार इस पत्थरबाजी को कवर कर रही थी। किसे पथराव चल रहा है, ऐसा नहीं लगता है कि किसान बिना तैयारी के आए थे, ऐसा लग रहा है कि किसान भी पूरी तैयारी से आज आए थे, उन्हें भी आशंका थी कि आज ये मुठभेड़ होगी, लेकिन 26 जनवरी के दिन हुआ है ये, जिस दिन पूरे विश्व की निगाहें होती हैं हिंदुस्तान पे, इस पे एक बहुत बड़ा सवाल कि क्या ये पहले से ही तैयारी से आए थे। इस समय की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आईटीओ की, ये देखिए किसान यहाँ तक आ चुके हैं डंडों के साथ हाथों में, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, कोशिश पूरी वही की जा रही है कि पुलिस वाले आगे आ चुके हैं किसान।
किसानों ने जमकर पथराव किया तो पुलिस ने भी डंडे बरसाने शुरू कर दिए। एक्शन शिफ्ट हो चुका है, पुलिस भी डंडे बरसा रही है, किसान भी कोशिश कर रहे हैं कि पथराव करें। देखिए दूसरी तरफ वहां से भागे भाग रहे हैं वहां पे किसान, ये देखिए किसान भागते हुए, पुलिस यहां पे खड़ी है। कोशिश इस समय यही हो रही है कि दोनों ही तरफ कोई हटने को नहीं तैयार है, पुलिस भी तैयार है, किसान भी तैयार है, सभी के हाथों में डंडे हैं। किसानों ने यहीं पर पुलिस कर्मियों को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की। ट्रैक्टर पर सवार किसानों के इस उत्पात में आज तक संवाददाता ऐश्वर्या पालीवाल और आज तक के कैमरामैन नसीर बाल बाल बचे। देखिए ये देखिए पत्थरबाजी और ट्रैक्टर से बचकर आज तक संवाददाता जहां पहुंची वहां एक तरफ से प्रदर्शनकारी पत्थर बरसा रहे थे, दूसरी ओर से पुलिस आंसू गैस के गोले दाग रही थी। ट्रैक्टर को बार बार गोल गोल घुमाया जा रहा है, पथराव हो रहा है। देखिए एक और ट्रैक्टर आया। इसी आईटीओ पर जहां हंगामा बरपा था यहां हमारी संवाददाता चित्रा त्रिपाठी भी मौजूद थी। आग इसीलिए रहे हैं क्योंकि पत्थर लगने का बहुत, ये देखिए एक और पत्थर उड़ता हुआ और बड़े पत्थर इस समय फेंके जा रहे हैं। ये देखिए भागते हुए किसान वहां से आपको दिखेंगे, किसानों ने पुलिस को पीछे की ओर धकेल दिया है, पथराव हो रहा है। और देखिए स्ट्रैटेजी यहां पे जो है, यहां पे पथराव हो रहा है ताकि पुलिस वहां पे ना जा सके और पीछे की ओर से किसान अब आगे की तरफ बढ़ चुके हैं। यहां पर देखिए लगातार हाथ जोड़ कर समझाने की कोशिश की जा रही है किसानों को ताकि ये लोग पीछे जाए। ये देखिए हाथ जोड़कर लगातार, ये दिल्ली पुलिस के जवान है वो किसानों के सामने हाथ जोड़ रहे हैं ताकि लोग यहाँ से पीछे चले जाए। किसानों ने कहा था कि एक ट्रैक्टर पर 5 से ज्यादा लोग नहीं होंगे, ट्रैक्टर के साथ ट्रेलर नहीं होंगे, ये सारे वादे उन्होंने तोड़ दिए। शर्तों और रूट को तोड़कर दिल्ली में घुसे प्रदर्शनकारियों ने कोहराम मचा दिया। देखिए दूसरी तरफ फोर्स है, फोर्स पूरी तरह से लाचार हो चुकी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है, दिल्ली पुलिस के जवान है, जो किसान है वो खदेड़ते हैं। और हालत ये है कि जो किसान है जो ट्रैक्टर मार्च में शामिल थे, आप इसको उपद्रवी भी कह सकती हैं, वो पूरी तरह से हावी थे। किसानों को बाहरी दिल्ली में ट्रैक्टर परेड की इजाजत दी गई थी, किसानों ने रूट का पालन करने का वादा किया था, लेकिन अब तक अनुशासन के साथ दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसान दिल्ली में दाखिल हुए तो बवाल मचा दिया। 2 महीने से आंदोलन कर रहे किसान आज जब ट्रैक्टर रैली करने निकले थे तो उन्होंने फूल बरसाया था, लेकिन थोड़ी ही देर में पत्थर बरसाने लगे। शर्मनाक है लेकिन सच है। ऐश्वर्या पालीवाल और चित्रा त्रिपाठी के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। आईटीओ पर मचे संगामे की नींव गाजीपुर में रखी जा चुकी थी। सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए गाजीपुर से ही किसानों का जत्था आईटीओ पहुंच गया, जहां रैली पूरी तरह से हंगामे में तब्दील हो गई और उसके बाद जिस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आई उसने पूरे देश को कर दिया शर्मसार। बैरिकेडिंग तोड़ते किसान, टैंकर पर निकलता गुस्सा, पुलिस के साथ तीखी झड़प। दिल्ली में आज दिन भर हुए घमासान की शुरुआत गाजीपुर बॉर्डर से हुई। सीमा पर भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच किसानों का जत्था जब दिल्ली की ओर बढ़ रहा था तो उसने देखते ही हिंसक रूप ले लिया। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान काफी भारी संख्या में अब बैरिकेड तोड़ते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि वो दिल्ली की तरफ मार्च करना चाह रहे हैं।
पुलिस कोशिश कर रही है कि किसान किसी भी तरीके से रुक जाएं, दिल्ली की तरफ ना बढ़ें। पुलिस भी काफी बड़ी तादाद में यहां पे मौजूद है, लेकिन फिर भी किसानों का कहना है कि बैरिकेड्स तोड़ दिए जाएंगे और ये जो मार्च है ये दिल्ली की तरफ आगे बढ़ेगी। ये वो रास्ता नहीं है जो दिल्ली पुलिस ने जो उनको जो दिया था किसानों को, लेकिन फिर भी किसानों का अब कहना है कि तब तक नहीं रुकेंगे जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी। और दिल्ली की तरफ ये देखिए, बढ़ते हुए किसान बैरिकेड्स तोड़ते हुए यहाँ पे किसान नेता कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से उनको वापस भेजा जा सके, लेकिन काफी भारी तादाद में कोशिश इस समय यहाँ पे गाजीपुर में यही कि किसी भी तरीके से बैरिकेड्स तोड़ के दिल्ली की तरफ मार्च की जाए। इस हंगामे से ठीक पहले धीरे धीरे किसानों की संख्या गाजीपुर बॉर्डर पर बढ़ रही थी। पुलिस ने रोकने के लिए बड़े बड़े पत्थर और बैरिकेडिंग लगवाए, बसें तैनात की गई जिसने आंदोलनकारियों का गुस्सा भड़का दिया। किसान नेता राकेश टिकैत को पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो जमकर बहस हुई। सरकार की तरफ से जो रास्ता आगे रोक दिया गया है उसको लेकर के यहाँ पर पूरी तरह से खींचतान है। पुलिस के आला अधिकारी भी है, किस तरीके से सरकार कोई भी यहाँ पर इस तरीके से जो पूरा है सिचुएशन हाथ से बाहर निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। किसान नेता और पुलिस के अधिकारी दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। किसान नेताओं का आरोप है कि चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है, कहीं से भी रास्ता खुला छोड़ा नहीं गया है, जिसकी वजह से ट्रैक्टर कहीं भी रास्ते से निकल नहीं पा रहे हैं और ये मुश्किल आ रही है। हम आपको सुनाते हैं क्या बात है, रास्ता दे दो ना। यहाँ पर पीछे की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे, आप देख पा रहे हैं किस तरह से संघर्ष की स्थिति यहाँ पर बन गई है। एक तरफ किसान है, दूसरी तरफ जवान है, एक तरफ किसान दूसरी तरफ जवान, और यहाँ पर किस तरह की स्थिति बनाई है। बैरिकेड्स को यहाँ पर हटाए जा रहे हैं। अक्षरधाम आ जाने का ये पूरा का पूरा इलाका यकीनन अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, और ये स्थिति इधर आइए, क्यों तोड़ रहे हैं आप लोग है? क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग अपने तीनों कानून वापिस करवाना चाहते हैं, बताओ इसमें हमारी क्या गलती है। गाजीपुर में हालात बेकाबू होते जा रहे थे जो धीरे धीरे उपद्रव का रंग ले रहा था। देखिए किस तरह किसान कंटेनर पलटने लगे। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा सरकारी गाड़ियों पर भी निकला, दिल्ली की बसों पर तोड़फोड़ शुरू। ट्रैक्टर मार्च जिस तरीके से अलग अलग जगहों से निकल रहा था गाजीपुर बॉर्डर से, जब आगे निकला तो बहुत सारे किसान जो है वो अक्षरधाम होते हुए आईटीओ की तरफ पहुंच गए, और यहां पर आप देख रहे हैं कि वेस्ट विनोद नगर के इलाके में किस तरीके से बस में भी तोड़फोड़ मचाई गई है। किसानों के जरिए यहां जो पुलिस मौजूद थी उन्होंने ये जानकारी दी कि बस में ट्रैक्टर के जरिए यहां पर उन्होंने टक्कर मारी, और आप देख रहे हैं कि जो बस का जो आगे का हिस्सा है वो किस तरीके से पूरा यहां शीशा इसका टूट गया है। वहीं बस के अंदर की स्थिति आपको दिखाना चाहेंगे कि सारे जो यहां पर कांच है वो फैले हुए हैं, और ये आप देख रहे हैं कि जो साइड मिरर होता है उसको भी तोड़ दिया गया है ट्रैक्टर के जरिए धक्का मार करके। तो किसानों की तरफ से जो वादा पुलिस के साथ बैठक हुई थी उसमें किया गया था कि किसी भी तरीके से हिंसा नहीं होगी, अब यहां आप देख रहे हैं कि बस का जो आगे का पूरा हिस्सा है उसको तोड़ा गया है। वहीं साइड का पूरा इलाका आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से यहां पर गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेडिंग तोड़कर किसानों का जत्था ट्रैक्टर पर सवार होकर दिल्ली में घुस चुका था, जहां से ये तेजी से आगे बढ़ने लगा। काफी भारी तादाद में किसान गाजीपुर से अब लाल किले की तरफ मार्च करने लग गए हैं। पीछे सिर्फ और सिर्फ आपको इस समय ट्रैक्टर्स दिखेंगे जिन पे तिरंगा लहरा रहा है, और किसानों का कहना है कि किसी चीज पे नहीं रुकेंगे, अब लाल किले पे जाएंगे और उसके बाद सरकार से अपनी बात मनवाएंगे। हजारों की संख्या के अंदर यहाँ किसान दिल्ली की सड़कों पे अब उतर आए हैं। जितने भी बैरिकेड थे गाजीपुर से लाल किले के बीच में, ये देखिए नासिर आपको दिखाएंगे किस तरीके से बैरिकेड साइड में उखाड़ के फेंक दिए गए हैं। यहाँ पे सारे बैरिकेड्स वही हैं जो पुलिस ने लगाए थे ताकि किसानों को रोका जा सके, लेकिन अब किसानों का कहना है कि किसी चीज पे नहीं रुकेंगे। कोशिश हो रही है कि लाल किले तक किसी भी तरीके से पहुंचा जाए, और अगर आज लाल किले तक पहुंच गए तो किसान यूनियन का कहना है कि कल अपनी बात सरकार से मनवाने की भी कोशिश पूरी तरीके से की जाएगी। गाजीपुर से निकला ये काफिला जब आईटीओ पहुंचा तो पूरी तरह से हिंसक हो गया। आज तक ब्यूरो।
तो देखा आपने किस तरह की स्थिति वहां पर पैदा हो गई थी। सवाल यह है कि उपद्रवी इन तमाम लोगों के खिलाफ क्या किसी तरह की कार्रवाई होगी, क्योंकि राजधानी दिल्ली की सड़कों पर आज जिस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आई है उसने पूरे देश को कर दिया है शर्मसार। सुबह से ही लगातार देर शाम तक मैं दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में बनी हुई थी, लेकिन वहां पर जो तस्वीरें निकलकर सामने आई और खासतौर से लाल किले से, उसने पूरे देश के सामने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि किसानों के आंदोलन की आड़ में ये कौन लोग हैं जो इस तरह की स्थिति पैदा करने की कोशिश करके माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन जारी करने की बात कही है, वहीं किसानों ने बॉर्डर पर वापस लौटने के लिए कहा है। आपको बता दें किसान लगातार वापस लौट रहे हैं अपनी अपनी जगहों पर जहां पर उनका आंदोलन राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर पिछले 2 महीनों से जारी है, लेकिन इन सब के बीच आंदोलन जारी रहेगा। आपको बता दें किसानों से रिपब्लिक परेड खत्म करने की अपील कही गई है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आंदोलन की जगह वापस लौटने के लिए अब कहा गया है। आगे इस पूरे मामले में क्या होता है इस पर रहेगी आज तक की नजर। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।